को मिले तो आज मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं बात करूँगा मेरी रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस की। वो सारी वीडियोस आप देख रहे हैं, आपके सजेशंस मुझे उनके रिगार्डिंग मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे अच्छा लगता है कि कोई आपका काम देखता है, आपको उसमें सजेशंस देता है, आपको अप्रिशिएट करता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपके सारे सजेशंस मैं वन बाय वन इम्प्लीमेंट कर सकूं और आने वाले वीडियोस में आपके जो सजेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट होते हुए आप मेरी वीडियोस में देखेंगे भी। चलिए तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का मेरा टॉपिक है फिर से एक रियल लाइफ सिनेरियो से जुड़ा हुआ। ये टॉपिक है हमारे वाईफाई नेटवर्क्स रिगार्डिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक सिंपल कमांड से आपकी वायरलेस नेटवर्क जो एटलीस्ट एक बार आपके वाईफाई से कनेक्ट हुआ है का पासवर्ड रिट्राइव कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे सिनेरियोज में होता है कि जैसे कि हमारे घर का कोई वाईफाई नेटवर्क है और वो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में हम कनेक्ट कर देते हैं स्टार्टिंग इनिशियली, और लेटर ऑन जब हम कोई नया डिवाइस लेते हैं या कोई दूसरा पर्सन उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करता है, अगर कोई आपके घर आया है या कोई भी मेहमान है या किसी भी रीज़न से आप किसी भी दूसरे डिवाइस में अगर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एट दैट टाइम शायद हमें उसका पासवर्ड याद नहीं हो या मिसप्लेस हो गया हो। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस में अगर आपको पासवर्ड रिट्राइव करना है आपके कंप्यूटर से ऐसे किसी नेटवर्क का जो ऑलरेडी एक बार कनेक्ट हो चुका है, तो उसके लिए एक सिंपल सा कमांड है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और उससे आपको वो नेटवर्क का पासवर्ड पता लग जाएगा और आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे और वो पासवर्ड आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम देखने वाले हैं एक कमांड जो हमें रिट्राइव करके देगा हमारे किसी भी वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड जो हमारे वाईफाई से एटलीस्ट एक बार कनेक्ट हुआ है हमारे कंप्यूटर के। तो वो कमांड है नेट एसएच, उसके बाद हमें डब्ल्यू लैन, बिकॉज हम वायरलेस लैन पे वर्क कर रहे हैं इसके लिए हमको डब्ल्यू लैन टाइप करना है। उसके बाद लिखना है शो प्रोफाइल। शो प्रोफाइल लिखने के बाद आपको नेम प्रोवाइड करना है, जो वाईफाई का SSID होता है या जो आपके वाईफाई का नाम होता है वो आपको प्रोवाइड करना है। जैसे कि मेरे एक वाईफाई का नाम है ओम शिव ओम, ओके। और उसके बाद आपको रखना है की इज इक्वल टू क्लियर CLEAR, ओके। एंटर करते ही आपको बहुत सारी डिटेल्स के साथ वो एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें वाईफाई की बहुत सारी डिटेल होती है जो अमूमन नॉर्मल यूज़र के काम की नहीं होती है, मगर नेटवर्क रिगार्डिंग जो लोग काम करते हैं उनके वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी कनेक्टिविटी सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स सारी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें ये जो की कंटेंट जो है वो हमें देखने को मिल जाता है और ये जो की कंटेंट होता है वही आपका पासवर्ड होता है इस SSID का। अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टली सिर्फ पासवर्ड ही मिले तो हम इस रिजल्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं। उसको फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक पाइप साइन यूज़ करना है और आपको लिखना है फाइंड str, जो एक कमांड है जो आपके रिजल्ट में से की को फाइंड करेगा, की एक हमने टर्म दिया है उसको फाइंड करेगा। एंटर किया तो क्या हुआ, आपके पूरे सर्च रिजल्ट में से वो की कंटेंट जिस लाइन में मिला वो लेके आया और ये जो टेक्स्ट उसके आगे है ये आपका पासवर्ड है, इस नेटवर्क का पासवर्ड है $JD ओम शिव ओम। तो ये इस तरीके से आप किसी भी ऐसे नेटवर्क का पासवर्ड पता कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में कभी भी एक बार कनेक्ट हुआ हो, बशर्ते कि आपको SSID पता हो। तो SSID तो आप जैसे ही आपका वाईफाई ऑन करेंगे अगर वो विजिबल होगा तो दिखेगा, और अगर हिडन नेटवर्क होगा तो आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको किसी एक दूसरे नेटवर्क का भी पासवर्ड ट्राई करके बताता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से इसका आइडिया आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा SJD 4G, अगर स्पेस है आपके नेटवर्क में तो आप उसको डबल कोट से एनकोड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार स्पेस के कारण कुछ इश्यूज़ होते हैं। तो देखते हैं इसका पासवर्ड क्या है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसका पासवर्ड आया है God is great 247।
तो ये सारे जो पासवर्ड्स हैं वो एक्चुअली आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं, पर ये उसी कंडीशन में वर्क करेंगे जबकि लास्ट टाइम से लेके अभी तक अगर उस नेटवर्क एडमिन ने या आपके वाईफाई के सेटिंग्स में वो पासवर्ड चेंज नहीं हुआ हो। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, किसी नेटवर्क से हम कई महीनों पहले जुड़े होते हैं या कई दिनों पहले जुड़े होते हैं, और मीनवाइल वहाँ की पॉलिसीज या तो कुछ लोग ऐसे टर्म्स फॉलो करते हैं कि वो हर 15 दिन में या हर 30 दिन में उनका पासवर्ड चेंज कर देते हैं। तो ये अल्टीमेटली एक वे है, आप अगर आपके घर का या कहीं का पासवर्ड भूल गए हैं और उसको रिट्राइव करने के लिए यू कैन गिव इट ट्राई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।